आज के दिन आपका स्वागत इस आराधना में करते हैं, इस भवन में करते हैं। हम जब आराधना कर रहे हैं, इस खाली भवन में हम आराधना कर रहे हैं, पर हम ये विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में ये भवन खाली नहीं रहेगा, जैसे पहले भरता था उससे भी अधिक लोगों के साथ बढ़ेगा। आमेन, हालेलुया। तो क्यों ना हम इस समय अपनी आवाज़ों को उठाकर परमेश्वर की आराधना करें। ताली बजाएं, हालेलुया। प्रभु, हम इस समय तेरे सामने आते हैं प्रभु, पूरी तौर से अपने आप को तेरे सामने लाते हैं प्रभु, और एक खाली मन के साथ आते हैं प्रभु।
कि तू उसे अपने प्यार और आत्मा के साथ भर दे, कि हम इस समय में जहाँ पे सबको तेरी ज़रूरत है प्रभु, वहाँ पे तेरे प्यार को बांट सके और दूसरों को तेरा प्यार दिखा सके प्रभु। कर दे रहम पिता, दे दे रूदा मसा। दे रहम पिता, दे दे रूह दामसा। कर दे रहम पिता, दे दे रूह दामसा। खाली दिल लेके आया, कर दे रहे
शालोम, आप सभी का स्वागत है समय में जहाँ पर हम देने के विषय में बात करते हैं और हम अपने साथ कुछ गेस्ट को भी बुलाते हैं, अपने दशवांश मिशन विजन इसके बारे में हम बात करते हैं। हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ अर्पुद राज हैं। अर्पुद राज, आपको बहुत बहुत स्वागत है। अर्पुद राज को हम नोटिस कर रहे हैं, बहुत महीनों से वो देते आ रहे हैं, पर हम एक ऐसे अर्पुद राज को भी जानते थे जो देने में विश्वास नहीं रखते थे। तो अर्पुद राज, हम आपसे पहला प्रश्न पूछना मांगेंगे, आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि अचानक आप देने लगे? तो शुरू में मैं सबसे पहले सबको जय मसीह कहूँगा। तो पहले मैं आके दशवांश नहीं देता था, तो आची माँ ने मुझे बताया, आपके जो सांस है, मेरी सांस, उन्होंने मुझे बताया आप दशवांश दो तो आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। तो मैंने क्या, ठीक है जी। तो मैं जैसे जैसे मैं दशवांश देता आया तो प्रभु ने मेरे जीवन में चमत्कार दिखाया। चमत्कार किया। मैं बता देना मांगूंगी कि अर्पुद राज एक तमिल भाषी हैं और तमिल में दादी को आची बोलते हैं, तो जो मेरी सास हैं उनको अर्पुद राज आची बुलाते हैं। तो लॉकडाउन के दौरान हमने देखा आपके जीवन में काफी कुछ प्रभु ने आशीष दी, आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे? तो पहले तो इस लॉकडाउन पे आपको तो सबको पता ही है जी, किसी के पास काम नहीं था, तो कईयों के पास अपना काम तो काम चला रहे। मेरे पहले मैं काम करता था, जहाँ से मुझे वहाँ से काम नहीं जवाब दे दिया, अभी काम अब है नहीं। तो मैं पाशा जी को भी बताया, पाशा जी मेरे को पहले जैसे अब काम नहीं है तो आप, मैं पाशा जी को बताया, पाशा जी आप मुझे लिए प्रेयर करो ताकि मुझे बहुत ही जल्द कोई काम मिल सके, ताकि मैं कहीं लग सकूं। तो प्रभु पाशा जी को भी प्रेयर करने के लिए बोला, तो मैं भी खुद भी प्रेयर कर रहा था। तो देने में फिर भी मैं वफादार था, मैं जितना मेरे से निकलता था, जितना मेरे से होया, मैं उसके लिए दशवांश देता। तो जैसे मेरे मैंने जीवन में प्रार्थना करने लगा तो प्रभु ने मुझे अपना काम दिया, मैं इसके लिए धन्यवाद करूंगा। ताकि मुझे को पहले था, मुझे अपनी रेडी की बहुत लोड थी, तो मैं पाशा जी को बोला, पाशा जी मुझे रेडी की जरूरत है तो प्रेयर करना। तो जैसे ही थोड़े दिन के अंदर मैं सेकंड हैंड रेडी खरीदने के लिए गया तो प्रभु ने मुझे वहां पर भी एक चमत्कार दिखाया, ताकि मुझे अपना रेडी, नवी रेडी, नई रेडी फर्स्ट टाइम। और आपकी गाड़ी भी जो आप कह रहे थे कि ऑलमोस्ट 1,00,000 रुपए की थी, आपको वो आधे रेट में मिली? आधे रेट में मुझे, जो मैंने सोचा था भी, मैंने तो सोच के भी नहीं देखा जो प्रभु ने मुझको इतना बड़ा जीवन पे भी चमत्कार दिखाएगा। बहुत अच्छी बात है। मुझे ये भी पता है कि एक दिन आपकी वाइफ आए थे नीचे उतर के और मुझे एक लिफाफा पकड़ाया जो चर्च वाला है, तो मैंने कहा क्या ये दशवांश है, तो कहती कि नहीं आंटी दशवांश नहीं है, हमने ये तय किया है कि डॉक्टरों के ऊपर जितना हमारा खर्च होगा वो पैसा हम डॉक्टर पे नहीं खर्च करेंगे पर हम चर्च पे देंगे। उसकी क्या कहानी थी? मैं इसके लिए भी बता देता हूँ जी, एक रात की टाइम था जी, जो मेरी बेटी बहुत ज्यादा बीमार थी, बहुत ज्यादा, जिसको कहते भी एक सांस लेना भी रुका था। तो वैसे ही उसको, बेटी को देख के उसकी माँ भी डर गई। तो उसके भी सांस दोनों के, यही मुझे यही चिंता था, कल्ला इंसान दो दिन को सांस सकूं। तो फिर भी मैं यही मैं सोचा था, उस दिन से मैंने तय कर ली भी प्रभु, अभी मैं जो डॉक्टर को लगाऊंगा ना वो मैं तेरे भवन पे लेके आऊंगा। और प्रार्थना के बाद आपकी बेटी और पत्नी दोनों ठीक हो गए। मैं 1 रुपए भी मैंने डॉक्टर को नहीं लगाया, मैं उस दिन से तय कर ली भी मैं जो भी देना है तो मैं चर्च में दूंगा। और प्रभु ने अभी तक आपकी बेटी और पत्नी को बिल्कुल सलामत रखा, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग रोज मिलते हैं। इनकी बेटी है, कितने साल की है वो 4 साल की होने वाली, 4 साल की होने वाली, मार्च में वो 4 साल की हो जाएगी, और हम लोग रोज मिलते हैं और बिल्कुल तंदुरुस्त और अच्छे खासे हैं। तो ये थी अर्पुद राज की कहानी, और मुझे विश्वास है कि जरूर परमेश्वर ने आपसे इसके द्वारा बात किया होगा। आपके रेडी पे भी लिखा है किसी भी बात की चिंता ना करो, है ना? तो वो वचन हम लोगों को सबको पता है, फिलिप्पियों उसका 4:6-7, किसी भी बात की चिंता ना करो। इसी बात को मन में रखते हुए आइए हम अपने दशवांशों का हाथ में लेके प्रार्थना करें। हमारे प्यारे परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय परमेश्वर, जो हमारी ज़रूरतों को हम पर से गुजरने से पहले प्रभु जी जान लेते हैं, हम प्रार्थना करते हैं इस समय के
इस समय कई ऐसे लोग होंगे जो शायद पैसे की कमी घटी से गुजर कर जा रहे हैं। हम विनती करते हैं प्रभु कि आप उनकी कमियों को पूरा करें। यदि वे अपना दशमांश नहीं दे रहे हैं प्रभु, आप उनको प्रोत्साहित करें ताकि जिस तरीके से अर्पुद राज ने अपने जीवन में इस आशीष को पाया है, वे भी इस आशीष को पाकर देखें। आमेन। ये समय है सूचनाओं का, और जैसा कि हर एतवार बच्चों को याद दिलाया जाता है कि वो एतवार वाले दिन शाम को ऑनलाइन हो अपने टीचर्स के साथ चिल्ड्रंस चर्च के लिए, माता पिता प्लीज़ इस बात पे ध्यान रखें। आपके टीचर्स जो हैं जूम लिंक आपको भेज देंगे आज की शाम, आप टीचर्स के साथ नई कहानियों का इंजॉय कर सकते हैं, नई कहानियों का आनंद ले सकते हैं। उसी समय हम उन इलाकों के बारे में भी कहेंगे जो इस आज की एतवार ऑनलाइन है, आप ज़रूर अगले एतवार आइए। मैं ये मानती हूँ और जानती हूँ ऑनलाइन सुविधा जब सबके लिए जब दी जाती है तो वो काफ़ी अच्छी होती है, पर ये भी है कि जब आप साक्षात सामने चर्च में होते हैं, प्रचार सुनते हैं, आराधना में शामिल होते हैं, उसकी बात कुछ और होती है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज़रूर अगले एतवार हमारे साथ आराधना में शामिल होएं, आराधना का मज़ा लें, आनंद लें, परमेश्वर की शांति को अनुभव कर सकें। ये शादियों का सीज़न है और हमारे कलीसिया में भी शादी हो रही है दीपक की, दीपक जिसको हम बंटी के नाम से जानते हैं, और मसीह कानून के अनुसार तीन पुकार होते हैं। मैं ये आखिरी और तीसरी पुकार पढ़ रही हूँ, दीपक की, जो श्रीमती राजरानी और स्वर्गीय श्री सुरजीत कुमार पटियाला निवासी का विवाह एस्तर, जो श्रीमती नसीम अख्तर और स्वर्गीय श्री कुलवीर सिंह की सुपुत्री हैं जो गुड़ानी कला लुधियाना के निवासी हैं, वहाँ रहते हैं, उनका विवाह 25 नवंबर 2020 को होना तय हुआ है। यदि आपको इस विवाह के प्रति कोई आपत्ति है, आप पास्टर जी से आके मिलें, नहीं तो आप इन दोनों के लिए लगातार लगातार प्रार्थना करते रहें। जय मसीह की। एक और बार तुम्हारे सारे का स्वागत है। ते असी सगों पिछले कुछ हफ्तों तो गुण अते अवगुण तो इस विषय बारे वेख रहे हाँ। पहले हफ्ते जो असी वेख्या सी वो सी कि दीनता अते कमंड, पिछले हफ्ते असी क्षमा अते गुस्से दे उस गुण अते अवगुण दे बारे वेख्या है। चलो अज असी एक होर गुण अते अवगुण वल ध्यान देंगे, वो एक बहुत ही मुख्य विषय है जो है उदारता अते लालच। उदारता अते लालच, मैं एक गल तुहानू दसना चाहांगा कि बाइबल नो जे तुसी ध्यान नाल पढ़ के वेखोगे तो तुसी ये पाओगे कि प्रभु यीशु मसीह ने पैसे दे विषय बारे काफ़ी गलबात कीती है। जिथे तक स्वर्ग अते नरग दोनों ही विषय बारे यीशु मसीह ने जिन्नी गलबात कीती है उस तो भी ज़्यादा पैसे दे बारे प्रभु यीशु मसीह ने गल कीती है। इन्ना ही नहीं सगों प्रार्थना दे बारे जिन्नी प्रभु यीशु मसीह ने गल कीती है उस तो चार गुणा प्रभु यीशु मसीह ने पैसे बारे गल कीती है। हुण पैसा जो है अपने आप दे विच माड़ा बिल्कुल नहीं है, ये दसन दा कारण भी ये है कई कलीसियावां दे विच पैसे दे बारे जो सोच हुंदा है वो एक बहुत ही नकारात्मक सोच है, ते वो ये सोचते हैं कि पैसा माड़ा है या बुरा है अते पैसे दे बारे गल नहीं करनी चाहिदी है। दूजा एक विचार ये भी है कि जो कलीसिया हमेशा पैसा ही लोका तो चाहुंदी है, पर इत्थे जो लेगेसी मेकर्स चर्च दे विच असी सगों कुछ इस तरह के कदम भी चुक रहे हाँ जिथे असी चाहते हाँ कि ये एक गलत सोच जो है हर एक सदस्य दे मन तो कढ़ दिता जाए जे बाई चांस है भी। असी ये विश्वास करते हाँ पैसा चंगा है, असी ये विश्वास करते हाँ कि विश्वासियां नू सिर्फ पैसा जो उदारता दे नाल देन दे बारे ही असी गल नहीं करनी चाहिदी है, पर सगों एक इस तरह का एक माहौल भी सगों उत्पन्न कर सकीए जिथे हर एक विश्वासी पैसे दे तौर ते
शक्तिशाली हो सके या एक खुशहाल जीवन जी सके। हुण जिस तरह मैं तुहानूं दस्या यीशु मसीह ने पैसे बारे इन्ना कुछ गल किया है, ये एक बहुत ही मुख्य विषय है जिस दे कारण प्रभु यीशु मसीह ने इन्ना उस दे बारे गल की है। ते अज जिस विषय बारे असी वेख रहे हाँ वो एक बहुत ही मुख्य विषय है जिसनों सानू चंगे तरीके दे नाल समझना अते उसी तरीके दे नाल चलना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो चलो पहला असी लालच दे इस विषय बारे वेखांगे। ये एक अवगुण है जिस दे बारे सगों बाइबल सानू स्पष्ट रूप से दसती है कि सानू लालच तो बच के रहना है। ये जिवें यीशु मसीह ने पैसे बारे इन्नी गल की है वो यही दसता है या सानू समझ लेना चाहिदा है कि पैसा एक इस तरह का चीज़ है जिस जो कई बारी कई लोगों के जीवन दे विच एक इन्ना मुख्य गल हो जाता है, एक इस तरह की गल हो जाती है कि पैसे ते ज़्यादा भरोसा आ जाता है या पैसे की लालच साढ़े जीवन दे विच आ जाता है। तिमोथियुस दे पत्री दे विच पौलुस भी कहता है कि पैसे की लालच हर एक बुराई का जड़ है। तो असी जेकर बाइबल नू वेखिए तो बाइबल इसी विषय दे बारे कुछ बहुत ही मुख्य गल्लां सगों दसती है। एक वचन जिस दे वल भी तुहाडा ध्यान मैं लेके जाना चाहांगा जिथे प्रभु दा वचन सगों आखदा है कि सानू जो उस तरह दे लोकां तो बच के रहन दी लोड़ है या उस तरह दे लोकां तो दूर रहन दी लोड़ है। किस तरह दे लोकां तो दूर रहन दी लोड़ है? जो पहला कुरिन्थियों दे पत्री उसके पांचवें अध्याय ते 10 अते 11 नूं तुसी सगों पढ़ के वेखोगे तो प्रभु यीशु मसीह की कह रहा है, यह नहीं जो सगों जो इस लालच रखते हैं जिन्हां दे अंदर जो इस तरह दे लोभ है जो मूर्ति पूजा दे विच है उन सारे लोकां दे संगत तो तुसी की करना है? दूर रहना है। 11वें आयत दे विच भी उसी तरीके दे नाल प्रभु यीशु मसीह दस रहे हन। सगों असी होर भी वचना दे वल जेकर असी ध्यान देईए तो सानू ये पता लगदा है कि जो परमेश्वर इसी लालच दे बारे सानू चेतावनी दे रहा है कि सानू ध्यान रखन दी लोड़ है कि यही लालच जो है साडे जीवन दा एक हिस्सा ना हो। जेकर असी इसी लालच दे बारे सोचिए तो शायद असी कहेंगे नहीं मेरे जीवन दे विच लालच दे नाल तो मेरी कोई इस तरह दे मैं तो लालची नहीं हाँ। पर सच्चाई ये है असी सारे ही इस लालच दे इस परीक्षा विचों गुजर के जाते हाँ। तो सानू अपने दिल नो इस लालच तो बचा के रखन दी लोड़ है। हुण प्रश्न जो मैं जिसका उत्तर सानू पाना चाहिदा है, पहली गल तो ये है कि लालच की है, सानू वो समझना बहुत ही जरूरी है। सगो किसी ने इस तरीके दे नाल कहा कि लालच रब अते अनंत काल ले नज़रअंदाज करदे हुए स्वे संतुष्टि ले वथेरे पैसा जा चीज़ां प्राप्त करन दी अटल इच्छा है। लालच की है कि मैं परमेश्वर अते अनंत काल नूं नज़रअंदाज करदा हाँ अते मेरा ध्यान जो है पैसे वल अते जो चीज़ है उसनों प्राप्त करन दी एक अटल इच्छा लालच है। दो मिनट सोच के वेखो कि कई बारी कई लोग सोचते हैं लालची वो लोग होंदे हैं जो बहुत ही अमीर है जिन्हां कोल बहुत पैसा है ते जेड़ा गरीब है वो लालची कित्थे हो सकता है। पर मैं तुहानूं एक सच्चाई दसना चाहुंदा हाँ, लालच जेड़ा है
पैसा किन्ना है या किन्ना नहीं है उस गल ते निर्भर नहीं है, पर लालच सगों एक साडे दिल दे विच दी एक मनोवृत्ति है, साडे दिल तो आउन वाले एक गल है। यीशु मसीह ये कहते हैं कि जो असी खा रहे हाँ वो सानू बुरा नहीं करता, पर जो साडे दिल विच्चों निकलता है वो ही है सानू जो बुरा करता है। इस करके जो साडे दिल विच्चों आउंदा है उन्हां विच्चों लालच भी एक गल है जिस दे बारे प्रभु कह रहे हैं। तो साडे दिल दे हालत दे वारे है जो लालच दा संबंध है, ते मेरे दिल दी हालत किस तरह है, मेरा पैसे दे प्रति किस तरह दा सोच है, मेरा पैसे दे प्रति किस तरह दा रवैया है, मैं पैसे ते भरोसा तो नहीं रखन वाला हाँ। तो ये कुछ गल्ला हैं जिस ते वल सानू ध्यान देन दी लोड़ है। जेकर मैं पैसे नू ज़्यादा अहमियत देंदा हाँ, जो मेरी संपत्ति जो मेरी चीज़ है उस दे वल मेरी अहमियत ज़्यादा है, किस तो भी ज़्यादा, परमेश्वर अते अनंत काल तो ज़्यादा है, ते मैं उसी पैसे नू किसे ना किसे तरीके दे नाल मैं प्राप्त करा, वो एक अटल इच्छा मेरे अंदर होवे, तो मेरे अंदर लालच है। तो मैनू अपने दिल नू जांच के वेखन दी बहुत ही ज़्यादा लोड है। लालच एक बहुत ही गंभीर पाप है जिस तो सानू अपने आप नू बचा के रखन दी लोड है। लालच नू असी वेखिए तो सानू उस तो दूर रहन दी लोड है, लालची लोकां तो दूर रहन दी लोड है, क्योंकि लालची लोकां दे नाल रहांगे तो साडा भी उसी तरीके दे नाल दा जीवन भी हो सकता है। ते असी वेखते हाँ कि दूजे पासे जेकर असी दौलतमंद है, जेकर असी अमीर है, जेकर साडे कोल पैसा है, तो वो एक बहुत ही गंभीर जिम्मेदारी है कुछ भला करन लई। इस करके प्रिय भाई ते भैन सानू ये ध्यान देन दी लोड है कि असी अपने जीवन नू जांच के वेखिए किथे मेरे अंदर उस तरह दा एक लालच तो नहीं है। मैं थोड़े सामने कुछ इस तरह के प्रश्न रखना चाहांगा जिस दे द्वारा असी एक तरीके दे नाल पता लगा सकते हाँ किथे मेरे अंदर लालच तो नहीं है। तो कुछ प्रश्न मैं ये जरूर विनती करांगा कि तुसी जरूर लिख के रखो कि असी एक टाइम कढ़दे हुए परमेश्वर दे उपस्थिति दे विच अपने जीवन नू जांच के वेखिए। पहला प्रश्न, कि मैं अपने पैसे अते अपने संपत्ति नू अपना करके समझदा हाँ कि परमेश्वर दा है करके समझदा हाँ। एक बहुत ही मुख्य प्रश्न है। ये प्रश्न सगों भंडारी होण दा एक प्रश्न है। एक भंडारी उस नू कहंदे हन जिस नू कुछ सौंपिया गया है कि वो उस चीज़ दी रखवाली करे, उस नू बधाए ते आखिर च एक समा होकर उसका हिसाब दे। परमेश्वर ने सानू पैसा दिता है, परमेश्वर ने सानू संपत्ति दिती है, परमेश्वर ने सानू चीज़ दिता है, परमेश्वर ने सानू वरदान खूबियां खासियत समा सब कुछ दिता है। इस दे असी भंडारी हैं। जेकर मैं इस सोचता रहा हाँ कि ये मेरा है, सगों एक सच्ची घटना मेरे अपने जीवन के बारे मैं सानू दसना चाहाँगा। 10 नंबर गली दे विच जद किराए ते असी सी, डॉक्टर रूफस सी जिन्हां ने एक लैपटॉप सगों दिता सी, ते वो IBM दा एक लैपटॉप सी, ते वो मेरे लिए बहुत ही जो है कि पहली बार सी एक लैपटॉप, ते वो भी कई साल पहले दी गल है जिथे आम एक व्यक्ति दे कोल इधर लैपटॉप होना एक बहुत ही वड्डी गल हुंदी सी। ते एक दिन मेरे एक पास्टर दोस्त सी जो जिन्हों के नाल मेरी गलबात हो रही सी, तो मैं क्या देखो ये सब मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये मेरे लिए कोई अहमियत नहीं है। पर एक चीज़ के बारे में जिक्र नहीं किया, वो सी लैपटॉप बारे। तो वही दोस्त ने मैनू लैपटॉप के बारे पूछा सी, लैपटॉप की तुहाडे लिए अहम है क्या। वो एक टाइम सी
मैं एकदम उस तेले जवाब दे नहीं पाया। क्यों? जब मैं अपने दिल नो टटोल के वेख्या तो मैं ये पाया कि मैं उस जो लैपटॉप नो अपना है, ये मेरा है, मैं किसी नो भी दे आंगा, ये मेरे लिए बहुत ही अहम है। कर उस तरीके दे नाल वो चीज़ नो मैं अपने दिल दे विच ना मतलब रखिया सी, ते परमेश्वर ने मैनू उत्थे यही दस्या, नहीं इस तरह दा जो तेरा पकड़ उस दे उत्ते है वो गलत है, उस तरह होना नहीं चाहिदा है। दो मिनट अपने जीवन नू वेखिए, जे प्रभु कहिंदा है ये सब दे दो तो की असी तैयार है, जे दिक्कत है तो उत्थे कुछ ठीक नहीं है। दूजा प्रश्न ये है कि इफ आई न्यू दैट आई वेयर टू डाई इन वन ईयर वुड आई डू एनीथिंग डिफरेंट इन माई मैनेजमेंट ऑफ गॉड्स रिसोर्सिस। जेकर मैनू पता है कि मैं एक साल दे विच मेरी मौत होने वाली है तो कि मैं अपने ही जो संपत्ति अपने ही जो सामग्री दे नाल कुछ वखरा करांगा। एक बहुत ही मुख्य प्रश्न है। कई बारी अपने जीवन दे विच कई चीज़ों दे उत्ते असे पैसा खर्च करते हैं, ये खरीदना वो करना ये करना इत्थे जाना उधर जाना, अपने आप दे विच ये माड़ा नहीं है, पर जेकर मेरे मन दे विच अनंत काल है तो मैं उस तरीके दे नाल ही अपने जो पैसे नो उस इस्तेमाल सगो करांगा। ते ये एक बहुत मुख्य प्रश्न है जिस नो अपने आप तो सगो पुछन दी लोड़ है। एक होर प्रश्न जो सानू पुछन दी लोड़ है कि मैनु होर पैसे दी क्यों लोड़ है। मेरे ये एक प्रश्न है जो मेरे दिल दा जो मकसद उद्देश्य दे नाल संबंधित है कि मैंने होर क्यों पैसा चाहिदा है। अगला एक प्रश्न है कि मैं कि पैसे दे बारे ज़्यादा चिंतित हाँ या मेरा ध्यान अनंत काल दे उस मंजिल वल है। सानू ये वेखना है, ईशु मसीह दे मुलाकात एक अमीर व्यक्ति दे नाल होया सी जिथे उसके सामने एक प्रश्न जो सगों पूछा गया सी कि सब कुछ बेच कर मेरे पीछे आ जाओ, पर उस व्यक्ति का ध्यान उसी पैसे दे वल सी, वही पैसा उसको सगों ज़्यादा अहम सी। ते सानू ध्यान रहन दी बहुत ही ज़्यादा लोड़ है। एक होर प्रश्न, मेरे जीवन दा दी सुरक्षा कि मैं पैसे दे विच वेखदा हाँ या परमेश्वर दे विच मैं उस सुरक्षा नू पाउंदा हाँ। सानू मैनू अपने आप तो पूछना है कि मैं इदा सुरक्षित महसूस करदा जब मेरे कोल पैसा है, या मैं अपनी सुरक्षा नू परमेश्वर दे विच वेखदा हाँ। तो असी अपने आप तो उसनू पूछिए। एक होर जो सानू वेखन दी लोड़ है कि जेकर बाई चांस मैं मेरे जीवन दे विच कुछ इस तरह का एक लॉस या घाट हुंदा है पैसे दे प्रति या किसी चीज़ दे प्रति, मैं किन्ना उस दे प्रति रोंदा हाँ। क्योंकि देखकर मेरे जीवन दे विच कुछ चीज़ एक बहुत ही अहम चीज़ है तो मैं वो जे खो जाए ना, वो घाटा हो जाए तो मैं बहुत ही ज़्यादा रोवांगा, मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी होवांगा, मैं बहुत ही बुरा लगेगा। पर जे मेरा लगन उसके प्रति इन्ना नहीं है, जे खो भी जाए तो मैं कहांगा कोई गल नहीं, ठीक है, हो गया, देखे जाएंगे। तो सानू वेखना है कि अगला एक प्रश्न है कि मैं उन चीज़ों के उत्ते उसनु पकड़ के रखता हाँ या मैं उदारता दे नाल देन ले हमेशा तैयार हाँ। ये सानू पूछना है। जेकर असी वेखिए भारत दे विच कलीसियाएं कुछ साल पहले उसकी शुरुआत सी ते कई सी जो जिन्हां ने एक तरीके दे नाल कलीसिया दे बढ़ोतरी दे लई मदद दे कारण सी, जिथे उन्होंने कुछ लोग सी जिन्हां ने बलिदान करते हुए दिता। एक तरीके दे नाल असी वेखिए दक्षिण भारत दे विच कलीसियाएं काफ़ी ज़्यादा है, कलीसियाएं आर्थिक तौर पर मजबूत हैं, उत्तर भारत दे विच उस तरह का एक हालत नहीं है। ते दक्षिण भारत दे विच
कई विश्वासी बलिदान करते हुए वो खुशी दे नाल वो दे रहे हैं मिशन्स दे लई ते वो एक देन दे द्वारा वो एक बलिदान दे द्वारा जो है कई कलीसियावां दे बढ़ोतरी दे लई एक बड़े आशीष दा कारण है। तो उदारता मेरे अंदर है कि नहीं, असी उस तरह दी कलीसिया बन जाए जिथे असी उस तरीके नाल उदारता दे नाल देन वाले लोकी हन। एक होर प्रश्न, पैसे नू पाउन लई कि मैं कुछ भी किसी भी चीज़ दे विच समझौता करन लई तैयार हुंदा हाँ या नहीं। जेकर मेरे अंदर पैसा इन्ना अहम हुंदा है तो पैसे नू पाउन लई मैं कुछ भी करांगा, चाहे मैनू समझौता भी करना पवे, चाहे मैनू धोखा भी देना पवे, चाहे मैनू लुटना भी पवे, चाहे मैनू किसी नू झूठ भी कहना पवे, चाहे किद्दां भी होवे, बाई हुक्का बाई क्रुक करके अंग्रेजी दे विच कहंदे, जिवें भी होवे मैं उसनू जरूर पाना चाहांगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो असी अपने जीवन दे विच जांच के वेखिए। एक होर खास तौर पर असी इस तरह के जमाने दे विच है जिथे क्रेडिट कार्ड का काफ़ी चलता है, वो लोग जो इस तरीके दे नाल ये चाहते हैं कि ये चीज़ चाहिए तो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड दे नाल इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट कार्ड के बारे भी थोड़ा जो मैं दसना चाहाँगा, क्रेडिट कार्ड कुछ लोग सोचते हैं कि माड़ा है, कुछ लोग सोचते हैं ठीक है, ठीक है। व्यक्तिगत रूप में क्रेडिट कार्ड नो जे है कुछ दा इस तरह दे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दे विच क्रेडिट कार्ड दी लोड पैंदी है तो उस टाइम क्रेडिट कार्ड नो इस्तेमाल करना अपने आप विच माड़ा नहीं है। पर जेकर असी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखिए कि उस पैसे नो वापस करन दी क्षमता नो मन विच रखते हुए इस्तेमाल करिए। जेकर नहीं है क्षमता तो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल ना ही करे, वो ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक और आखिरी प्रश्न कि मैं छेती अमीर हो जावा, वो एक सोच दे नाल कि मैं कुछ करन नू तैयार हाँ। कुछ इस तरह दे कंपनीज, कुछ इस तरह दे चीज़ें हैं जो कहते हैं तुसी अपने पैसे नू जमा करो कि है इन्ने दिनों दे विच दुगना हो जाएगा, इन्ने दिनों दे विच इस तरह मतलब वध जाएगा कर। सानू बहुत ही ध्यान रखन दी लोड है कि असी इस तरह दे चीज़ां दे विच फस बिल्कुल भी ना जाए, वो बहुत ही वड्डे धोखे दे विच हन। तो ध्यान रखन दी लोड है कि असी इस तरीके दे नाल, ये कुछ प्रश्न है जो असी पूछिए अपने आप तो ते वेखिए कि किस तरह असी अपने दिल नो इस लालच तो बचा के रखे। दूजे तरफ जो गुण है वो है उदारता। प्रभु दा वचन सगो आखदा है कि परमेश्वर जो है खुशी नाल देन वाले नू प्यार करदा है। दो करंथियों दे पत्री उस दे 9:7 दे विच प्रभु दा वचन आखदा है कि जो कोई खुशी नाल देंदा है परमेश्वर उस नू सगो प्यार करदा है। उदारता परमेश्वर का गुण है। उदारता जो है सिर्फ पैसे दे नाल ही संबंधित नहीं है, साढ़े समा दे नाल भी है, साढ़े जो योग्यता जो क्षमता दे विषय दे नाल भी संबंधित है, सारे कई चीज़ों दे नाल संबंधित है ये उदारता कि मैं उन सारी चीज़ों दे विच एक उदारता दिखाता हाँ या नहीं, या मैं कंजूस हाँ। सानू ध्यान रखना है परमेश्वर दे बारे, प्रभु यीशु मसीह दे बारे असी सगों वेखदिया 2 करिंथियों दे पत्री उस दे 8:9 दे विच कि प्रभु दा वचन आखदा है कि जद कि प्रभु यीशु मसीह जो है अमीर हुंदे हुए भी वो कि गरीब होया ताकि असी उस दे गरीब होण दे द्वारा, निर्धन होण दे द्वारा की है असी धनी हो सकीए। प्रिय भाई ते भैन, ईशु मसीह दे विच असी वो प्यार वेखदे हाँ, उस प्यार दे कारण वो उदारता असी वेखदे हाँ। उदारता दी गल भी जद असी करदे हाँ तो वो किन्ना असी दे रहे हाँ उस चीज़ दे नाल इन्ना संबंधित नहीं है जिन्ना कि साडे मनोवृत्ति दे नाल संबंधित है।
ईशु मसीह ने एक घटना दस्या सी जिथे वो वेख रहे सी एक बूढ़ी औरत सी जिसने दो सिक्के दिते बाकी कई लोग से जनों ढेर सारा पैसा ला के वो दे रहे सी। ईशु मसीह ने पूछा किसने किन्ना दिता है किसने ज़्यादा दिता है। वो बूढ़ी औरत जिसते कोल दो ही सिक्के जो उसके आखिरी सिक्के सी उसनों उसने पाया बाकी सारे सी उन्हां दे ढेर सारे पैसे विच्चों वो सगो दे रहे सी। ते असी वेखदे हां तुहानू वेखना है कि साढ़े अंदर एक उदारता होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। वो उदारता दा दिल है जो परमेश्वर चाहुंदा है कि साढ़े अंदर रहे कि असी उसी उदारता दे नाल देन वाले बन सके उसी उदारता दे गुण नो असी अपने जीवन दे विच दिखा सकीए क्योंकि उदारता सगो साढ़े जीवन दी एक शैली है साड़ा लाइफ स्टाइल साड़ा होना चाहिए एक उदारता। ठीक प्रभु दा एक होर वचन भी असी सगो वेख सकते हाँ जो रसूलों का कर्तव्य उसके 20-35 के आखिरी हिस्से दे विच है जिथे पौलुस सगो दे मतलब उत्थे ये कहा गया है कि भाई लेन नालों देना ही मुबारक है लेन नालों देना ही मुबारक है। प्रिय भाई ते भैन उदारता एक है गुण जो परमेश्वर चाहुंदा है कि साडे जीवन विच रहे। उदारता दे नाल देन वाले दे कुछ खास विशेषताएं हैं जो मैं जल्दी ही तुहाडे सामने रखना चाहांगा। एक व्यक्ति जो सच्चे उदारता अपने जीवन दे विच पेश करता है सगों उस दे जीवन विच एक सच्चा प्यार है जिस दे कारण वो देंदा है एक सच्चा प्यार है जिस दे कारण वो देंदा है। मैंने वो वचन याद आ रहा है जिथे पहले कुरिन्थियों दे पत्री 13वें अध्याय दे 3:3 दे विच ये दस्या गया है कि एक अमीर व्यक्ति सी जिसने अपनी संपत्ति बेचकर सारी संपत्ति बेचकर गरीबां दे विच वंड दित्ता सी पर उत्थे क्या पर फिर भी उहदे दिल दे विच प्यार नहीं सी। एक पासे जदों असीं उसनूं वेखीए तो लगे ओ देखो इसने सारी संपत्ति बेच के गरीबां नूं वंड दित्ता सी करके असीं जद सोचदे हाँ तो एवें लगदा कि किन्ना मतलब उदारता नाल देण वाला व्यक्ति है पर उत्थे फिर वाक्य आखिर च लिखिआ है पर जे प्यार नहीं कोई फायदा नहीं। इसका मतलब है जे मैं दे सकता हाँ पर बिना प्यार दे देन दा मतलब कोई भी फायदा नहीं है। एक कहावत है जो ये कहता है कि मैं बिना प्यार किए हुए दे सकता हाँ पर बिना प्यार किए हुए या मैं जे प्यार करता हाँ तो बिना दिए रह नहीं सकता हाँ तो मैं दे सकता बिना प्यार किए हुए पर जे मैं कहता मैं प्यार करता हाँ तो वो बिना दिए संभव ही नहीं है। तो देखना है जब मैं देंदा हाँ तो क्यों देंदा कुड़कुड़ा के पर देन वाले नु परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं पसंद करता पर जे मैं प्रभु नु प्यार करता किसी नु प्यार करता तो मैं देंदा वो ये मेरे मकसद होना चाहिदा है मेरे देन दा खास जो उद्देश्य होना चाहिदा है कि मैं परमेश्वर नु खुश करा। कुछ लोग ही हन जब देंदे हन तो वो चाहते हैं कि वो व्यक्ति जाने वो चाहते हैं कि वो लोग की जाने कि किन्ना दे दिता जा रहा है ते वो लोग की वेखिए इस करके वो देंदे हन। फरसियां नु कहा जो तुहाडा सज्जा हथ देंदा है तुहाडा खब्बा ना जान सके प्रभु उत्थे कहन दा मतलब है कि दिखावे दे लई कृपा करके ना दो सानू प्रभु नु खुश करन लई देना सगो चाहिदा है। साडा देना जो है प्रभु यीशु मसीह दे कलीसिया नु होर मजबूत करन लई होना चाहिदा है कि जिथे असी खुशी दे नाल देंदे हन ते असी वेखदे हाँ कि साडे इस तरीके दे नाल देन दे द्वारा अपने जो है असी स्वर्ग दे विच धन इकट्ठा कर रहे हाँ स्वर्ग दे विच अपने खजाने नू इकट्ठा कर रहे हन। ते इसी देन दे विषय दे बारे असी सगों वेखिए तो साडे देन दे द्वारा प्रभु नू महिमा सगों मिलना चाहिदा है कि उसके द्वारा
प्रभु दे राज्य दी बढ़ोतरी होवे, साडा देना सगो एक तरीके दे नाल परमेश्वर नो जो है कि परखन वाली गल है। मलाकी दे किताब दे विच प्रभु एक उत्थे ही कहंदा है कि मैनू परख के वेखो, अपने दशवांश अपना पेट कि पवन दे विच लेकर आओ ते दे उसनू करन दे द्वारा मैनू परख के वेखो। ते असी ये वेखदे हाँ कि कुछ एक प्रश्न, अच्छा मैं दशवांश देंदा हाँ तो मैं कि उदारता प्रगट करता हाँ? मैं ये कहांगा कि एक तरीके दे नाल नहीं, क्यों? क्योंकि दशवांश परमेश्वर दा है, जिस जो जो परमेश्वर दा है जो असी देंदे हाँ तो उसनू वापस असी कर रहे हाँ, पर उस तो ज़्यादा जो असी जद देंदे हाँ वो ही है जो ये दिखाऊंदा है कि मेरे अंदर वो उदारता है, कि मैं खुशी दे नाल उसनू जद मैं देंदा हाँ तो वो एक प्रगट करता है कि मेरे अंदर एक उदारता है। प्रिय भाई ते भैन, मैं थानू प्रोत्साहित करना चाहूँगा हाँ कि इस अवगुण जो लालच है असी उस तो अपने आप नू बचा के रखिए, ते मेरे अंदर उदारता वधता चाहे, उदारता वधता चाहे। प्रिय भाई ते भैन, दो तो थानू दिता जाएगा करके प्रभु ने आख्या। दुनिया दे विच कहंदे हन इकट्ठा करो, इकट्ठा करते रहो तो उस तरीके दे नाल होर भी वधेगा। हुण बचत करना अपने आप दे विच गलत नहीं है, बचत करना चाहिदा है, वो साडे जीवन दी एक आदत होनी चाहिदी है, जरूर असी बचा के रखे। बाइबल दे विच कहंदा एक धर्मी जन को है अपने जो है पीढ़ी दे दूजे पीढ़ी दे लोकां दे लई वी की है इकट्ठा करके रखता है, ते इकट्ठा मतलब उना दे लई भी वो रखदा संपत्ति रखता है। तो प्रिय भाई ते भैन, बचाना गलत नहीं है, पर जेकर साडा ध्यान उस दे वल है, वो ही उस वो क्योंकि है मैं सुरक्षित महसूस करता हाँ, मेरी सुरक्षा उस दे विच है, मेरा दिल उस दे प्रति ज़्यादा है, तो उत्थे असी बहुत ही खतरनाक स्थिति विच है। मैं थानू प्रोत्साहित करना चाहूँगा एक मसीह देव दा जीवन, एक व्यक्ति जिसने प्रभु नु कबूल किया है, एक व्यक्ति जो परमेश्वर दा संतान है, उसते जीवन दे विच उदारता एक गुण है जो हुंदा है ते होना चाहिदा है। प्रिय भाई ते भैन, अस यही प्रभु तो प्रार्थना करें, प्रभु मेरे दिल नु बचा के रख लालच तो, ते मैं एक उदारता दे नाल देन वाला व्यक्ति बन सका। अपने अखां नु सी बंद करांगे ते प्रार्थना करांगे। प्यारे स्वर्गीय पिता, असी गुण अते अवगुण दे बारे कुछ हफ्तियां तो वेख रहे हाँ, परमेश्वर एक दीन अते घमंडी ते उस गुण अते अवगुण नु वेख्या, असी परमेश्वर क्षमा करना अते गुस्से दे उस दूजे अवगुण बारे भी वेख्या। अज दे दिन जो लालच अते जो उदारता दे उस गुण दे बारे गुण अते अवगुण नु जो असी वेख्या है, साडी यही प्रार्थना है कि असी प्रभु अपने दिल नु उस लालच तो बचा के रखिए। परमेश्वर साडा दिल, साडा जीवन, साडे जीवन दी शैली एक उदारता दा एक शैली बन जाए प्रभु, जिथे वो मेरे जीवन दा एक हिस्सा ही है। कृपा कर कि साडा लगन परमेश्वर पैसे दे वल, साडे संपत्ति वल, चीज़ां दे वल ना रहिए, पर साडा लगन तुहाडे वल अते अनंत काल वल रहे। परमेश्वर कृपा दे कि असी इन गल्लां नू समझ सकीए, कृपा दे कि असी उस तरह दा जीवन जी सकीए। कृपा दे प्रभु, मेरी प्रार्थना यह है हर एक नो आर्थिक तौर ते भी शक्तिशाली बना परमेश्वर, ते जिन्ना ज़्यादा आउंदा है उन्ना ही परमेश्वर साडे अंदर उदारता भी वधदा जाए। परमेश्वर मदद कर प्रभु हर एक नू, मदद कर सानू सारिआं नू परमेश्वर, हर एक नू तुहाडे हत्थां दे विच सौंपदा हाँ प्रभु, हर एक नू सुरक्षित रख, खास तौर ते इस माहौल दे विच प्रार्थना मैं करदा हाँ कि परमेश्वर इन्हां दे आन जान दे विच तुसी नाल रहना,
ते असी भी बुद्धिमानी दे नाल इस माहौल दे विच चल सकीए प्रभु, ते इन्हां दे जीवन दे विच जो भी जरूरतें हैं प्रभु उन जरूरतों नूं पूरा कर। मैं प्रार्थना करदा हाँ इन्हां दे जीवन दे विच प्रभु कमी खटी नूं दूर करोगे परमेश्वर जी, नूं जो बीमार हैं उन्हां नूं चंगाई दे, जो प्रभु कुछ चीज़ां जकड़े हुए हैं प्रभु तुहाडा छुटकारा प्रभु ईशु मसीह दे नाते इन्हां दे जीवन विच आए। घर दे हर एक सदस्य नाल प्रभु रहना, कृपा करके जल्द तो जल्दी माहौल बदल जाए करो ना दा, ते जिस तरह से इकट्ठे होंदे सी उदा ही इकट्ठे हो सकीए। आशीष ते ईशु दे नाते प्रार्थना करते हाँ, आमैन आमैन। प्रभु ईशु मसीह की कृपा, पिता परमेश्वर का प्यार, पवित्र आत्मा की संगति साढ़े सारिया दे नाल इस आने वाले हफ्ते ते ईशु दे आगमन तक बनी रहे, ते सारे कहे आमैन आमैन। प्रभु तुहानू सारे ने बहुत ही आशीष दे, ते शालोम।